बांग्लादेश से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब बारी है टेस्ट क्रिकेट की। गुरुवार से मुकाबला हो रहा है भारत का बांग्लादेश से पहले टेस्ट में, और पहला टेस्ट होगा इंदौर में। जी, इंदौर के नाम पर मुझे याद आता है वो वाला मुकाबला जो इंदौर में अब तक का एकमात्र टेस्ट था, एकमात्र टेस्ट खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2017 में। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 557 रन बनाकर पहली पारी जो है अपनी घोषित कर दी, पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। और इस पारी में भारत की ओर से विराट कोहली ने डबल सेंचुरी बनाई, अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई, और तो और छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी बनाई। और मज़े की बात यह है कि 365 रन की ये पार्टनरशिप हुई जो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच में देखने को मिली। और अजिंक्य रहाणे की सबसे बड़ी बात यह है कि 188 रन की उनकी पारी थी जिसमें उन्होंने 4 छक्के भी लगाए थे। रहाणे और छक्के टेस्ट मैचों में सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है। बहरहाल भारत की पारी जो है समाप्त हो गई, पारी की समाप्ति की घोषणा भारत ने की। और उसके बाद जो है बारी आई न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई। मार्टिन गुप्टिल और लाथम ने सेंचुरी पार्टनरशिप की और दोनों ने ही हाफ सेंचुरी बनाई। और उसके अलावा बीच के ओवरों में निशम आए मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी बना दी। उस समय लग रहा था कि जो भारत का पहाड़ नुमा स्कोर है उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो सकता है न्यूजीलैंड, क्योंकि उनकी धमाकेदार शुरुआत हुई थी इस पारी में। लेकिन देखते ही देखते सब उल्टा हो गया। रविचंद्रन अश्विन कुछ और ही मूड में थे और उन्होंने उसमें 6 विकेट चटकाए, और देखते ही देखते 299 रन पर पुलिंदा बन गया न्यूजीलैंड की पारी का। तो इस तरह से भारत की जो दूसरी पारी, भारत चाहता तो उस समय फॉलो ऑन दे सकता था, लेकिन भारत ने फॉलो ऑन नहीं दिया। विराट कोहली की जैसे कि आमतौर पर नेचर रहती है कि जब भी फॉलो ऑन की स्थिति आती है वो फॉलो ऑन नहीं देते, और अमूमन नहीं देते, तो यहाँ पर भी उन्होंने फॉलो ऑन नहीं दिया और भारत की बल्लेबाजी आई। और इस बार गौतम गंभीर ने हाफ सेंचुरी बनाई, और हालांकि मुरली विजय नहीं चल पाए थे और पहली पारी की तरह ही कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने इस बार सेंचुरी बनाई, बेहतरीन सेंचुरी। और उनकी सेंचुरी पूरी होते ही भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। 216 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर था। इस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 475 रन का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया, बहुत ही मुश्किल सा लक्ष्य दिया। लेकिन इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पारी बिल्कुल, मैं कहूँगा, पहाड़ के सामने जैसे कोई चीज़ दब जाती है उस तरह से दबकर रह गई, और पूरी टीम 152 रन पर सिमट गई। जानते हैं ये सब कैसे हुआ? रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी की वजह से। अश्विन ने जहाँ पहली पारी में 6 विकेट चटकाए थे, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 7 विकेट चटकाए, और इस तरह से उन्होंने इस मैच में 13 विकेट चटकाकर मुकाबले को भारत की तरफ मोड़ दिया। यानी भारत एक तरफा मुकाबले में विजयी रहा, तो और उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या रविचंद्रन अश्विन ने मैच का अंतर साबित किया? क्या विराट कोहली एक बड़ा अंतर साबित हुए? रहाणे ने जो योगदान दिया वो कितना अहम था? और तो और चेतेश्वर पुजारा ने भी बैती गंगा में हाथ धो डाला दूसरी पारी में सेंचुरी बनाकर। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी खूब रनों का अंबार लगेगा और भारत इसी तरह से मुकाबले को जीतेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।